नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 300 यूनिट मुफ्त देने की तैयारी, बिजली बोर्ड ने बनाई लिस्ट, 18 लाख उपभोक्ताओं को फायदा। ओपीएस और महिलाओं को 1500 के बाद तीसरी सबसे बड़ी गारंटी, 300 यूनिट बिजली पर बोर्ड ने काम छेड़ दिया है। बोर्ड ने उन उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली जो मुफ्त बिजली के दायरे में आ रहे हैं। प्रदेश सरकार अगर बजट में मुफ्त बिजली का फैसला करती तो इसका सीधा लाभ करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। पूर्व सरकार के समय 125 यूनिट बिजली को मुफ्त दिया गया था और प्रदेश में 14,62,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है। राज्य सरकार ने ओपीएस को पहले कैबिनेट में लागू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कसरत शुरू कर दी गई है। इस बीच अब मुफ्त बिजली को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। बिजली बोर्ड ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाने का फैसला करती तो तैयार लिस्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढ़वाल ने बताया कि बोर्ड ने 300 यूनिट बिजली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है, राज्य सरकार फैसला करती है तो इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में 60 और इसके बाद 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के फैसले को भी बोर्ड ने सही समय पर लागू किया था। सीएम के दिल्ली दौरे से बड़ी सरगर्मियां, मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्ड और निगमों की ताजपोशी पर हालचाल। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार समेत बोर्ड और निगम के अहम ओहदों पर सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के साथ ही तमाम नेता फिर से एक्टिव हो गया है। दरअसल मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली है। इन पदों के लिए बजट सत्र के दौरान भरे जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन सभी पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार को दिल्ली से अनुमति लेने की जरूरत है और इन दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है। यही वजह है कि कांग्रेस में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। उधर बोर्ड और निगमों के खाली पदों पर भी तैनाती होनी है। डंडे से पीट पीट कर आंगनबाड़ी शिक्षिका की हत्या, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, कार्यवाही शुरू। शिमला के ट्योग में एक व्यक्ति द्वारा आंगनबाड़ी शिक्षिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को डंडे से पीट कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस दौरान घायल महिला को लोग अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजेश निवासी बालिया ग्राम पंचायत टियाली के रूप में हुई है। बागवानी मंत्री का यू टर्न, बोले बागवान बताएंगे कीमत, आरतियों से सरकार लेगी राय। बागवानों के विरोध के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने उस बयान से यू टर्न ले लिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की 5वीं गारंटी में यही बात शामिल थी कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे। गुरुवार को मंत्री ने 2 दिन पहले दिए अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि बागवान अपनी फसलों की कीमत खुद तय करेंगे, उसके बाद आढ़तियों से राय ली जाएगी, फिर सरकार बागवानों को फलों के उचित दाम दिलाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटी दी है, उन्हें चरणबद्ध लागू किया जाएगा। भाजपा उनके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को गुमराह कर रही है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि अदानी के हिमाचल में 3 CA स्टोर है, इसके भीतर बागवानों को जाने की इजाजत नहीं है। अदानी सेब के दाम खुद तय करता है, उसके सीए स्टोर में लगी सभी मशीनों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट को प्रदेश सरकार सख्ती से लागू करेगी। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, पोस्टिंग वाले स्थानों पर अब अफसर नहीं खरीद सकेंगे भूमि और फ्लैट। हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस माह में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही जिन अधिकारियों को तबादला कर दिए गए उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन और अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीद विलेख को पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, मंडली आयुक्त व डीसी को
इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधों के ध्यान में लाने को कहा है। दर्दनाक हादसा, बननेदी हट्टी में दो झुग्गियों में आग लगने से चार बच्चे जिंदा जले। जिला ऊना के थाना क्षेत्र आम के तहत बननेदी हट्टी में बुधवार रात करीब 11 बजे अचानक बिहार के रहने वाले प्रवासी श्रमिकों की दो झुग्गियों में भयंकर आग लगी। जितनी देर में लोगों को समझ पाते और आग बुझाने का प्रयास करते, आग ने झुग्गियों में सो रहे चार बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन टनल दुग्ध उत्पादन तथा माल निकासी क्षेत्रों में सहयोग करेगा जायका सुखो। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन टनल दुग्ध उत्पादन तथा माल निकासी क्षेत्रों में सहयोग करेगा। इसके तहत इन क्षेत्रों के लिए जायका द्वारा आवश्यक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वीरवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस दौरान जायका के सहयोग से प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा नई परियोजनाओं पर विस्तृत मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री ने जायका से प्रदेश में सुरंग निर्माण को भी अपनी परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह किया तथा कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में छोटी सुरंगें संपर्क सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जायका अपना सहयोग एवं तकनीक उपलब्ध करवा सकती है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक माल निकासी तथा स्वास्थ्य भी प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। जायका के मुख्य प्रतिनिधि सैतोमित सुनोरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि एजेंसी सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप परियोजनाओं का कार्य करेगी। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एमपी के खेल मॉडल का होगा अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के खेल मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए जा रहे उपकरणों व खेल अधोसंरचना के बारे में चर्चा के लिए अधिकारियों को हिमाचल आने का न्योता दिया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह वीरवार को भोपाल में खेलो इंडिया गेम्स में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बॉक्सिंग रिंग, शूटिंग रेंज और जिम सहित अन्य खेलों से संबंधित अन्य आधारभूत संरचना का अवलोकन भी किया। सीएम सुक्खू ने केंद्र से जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 12% से बढ़ाकर 15% करने का आग्रह किया। इसके अलावा 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने ये मामला गत साय केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के साथ बैठक के दौरान उठाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के लगभग 12,000 मेगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB द्वारा हिस्सेदारी एवं बकाया भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। ऐसे में BBMB को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन, बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स का सदस्य बना राज्य सहकारी बैंक। G20 समूह के प्रस्तावित शिखर सम्मेलन 2023 की बिजनेस ग्रुप टास्क फोर्स आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को सदस्य नामित किया गया है। फोर्स की सदस्यता के लिए देश के सैकड़ों नामी वित्तीय संस्थानों और संस्थाओं ने पंजीकरण किया था। नामित हुए देश के 6 बैंकों में से हिमाचल प्रदेश का राज्य सहकारी बैंक एक है। अदानी बिल्मर मामले में आबकारी विभाग खंगाल रहे दस्तावेज, जल्द होगा खुलासा। अदानी बिल्मर कंपनी के परवाणु स्थित गोदाम में हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की उच्च कार्यवाही के बाद मामले की जांच अभी जारी है। विभाग के दक्षिण प्रवर्तन निदेशालय परवाणु की टीम ने बुधवार को रिकॉर्ड खंगाला था और जरूरी रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया था। अब इस रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। राजधानी में कई साल से संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले 1800 भवन मालिकों से अब नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। निगम प्रशासन ने आखिरी नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर नगर निगम इनका बिजली और पानी बंद कर देगा। 1800 भवन मालिकों की सूची में 85 ऐसे है जिनसे 50,000 से लेकर 1,00,000 रूपए तक का टैक्स वसूला जाना है। मानपुर देवड़ा पहुंचा प्रशासन, दोनों राज्यों की सीमाओं का खंगाला गया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश की सीमा में खनन करने के मामले में गुरुवार को स्थानीय प्रशासन मानपुर देवड़ा पहुंचा। यहां दोनों राज्यों की सीमाओं का रिकॉर्ड खंगाला।
SDM पोंटा गुंजीत सिंह चीमा की अगुवाई में अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। उधर NGT के आदेशों पर उत्तराखंड सरकार ने अपने क्षेत्र में विवादित पट्टे के अवैध खनन कार्य को बंद करवा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड निवासी जुनेद आयुबी ने NGT में याचिका दायर की थी। हिमाचल में ब्यास धेनु दूध 2 रुपए महंगा, 11 फरवरी से लागू होंगे नए दाम। काम धेनु हितकारी मंच ने अपने ब्यास धेनु दूध में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम 11 फरवरी से लागू होंगे। नए दामों के तहत अब दूध निचले क्षेत्रों में 58 रुपए और पहाड़ी क्षेत्र और चंडीगढ़ में 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। किन्नौर और कुल्लू में अब मंत्री और CPS हो गए लाडा के अध्यक्ष, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों किन्नौर और कुल्लू में अब मंत्री और CPS लाडा के अध्यक्ष हो गए। ऊर्जा महकमे ने पुराने अधिसूचना को संशोधित करते हुए इन दोनों जिलों के उपायुक्तों को लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी लाडा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये कमेटी बिजली परियोजना क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी करती है। जिला किन्नौर से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और कुल्लू में मुख्य संस्थित सचिव सुंदर सिंह ठाकुर को लोकल एरिया डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। गुरुवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी हुई है। शहरों में डटे सरप्लस शिक्षकों की बनने लगी सूची, शिक्षा निदेशालय ने जिलों से मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालय से सटे सरकारी स्कूलों में लंबे समय से डटे शिक्षकों की सूची बनना शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक सप्ताह में सभी जिलों से इस बाबत जानकारी मांगी है। एक माह के बीच लंबे समय से शहरों के स्कूलों में डटे सैकड़ों शिक्षकों को दूर दराज स्थित स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते दिनों सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों और शहरों में लंबे समय से डटे शिक्षकों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में अब शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया है। ऐसे स्कूलों को अलग से चिन्हित करने को कहा गया है जहाँ बच्चों की संख्या से अधिक शिक्षक तैनात है। इसी माह शिक्षा विभाग की दूसरी समीक्षा बैठक में इन आंकड़ों से शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया जाएगा। संभावित है कि एक माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। वेदर अपडेट रोहतांग, कुंजमदारा, आठ टनल पर बर्फबारी, शिमला में छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश में येलोलाइट के बीच गुरुवार को रोहतांग, कुंजमदारा, आटा टनल सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ है। कुल्लू और लाहौल में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी हुई है। 11 फरवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 132 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति में 119, चंबा में 6, कुल्लू में 4, कांगड़ा में 2 और शिमला में 1 सड़क ठप रही। जल शक्ति विभाग के बांध सर्कलों और मंडलों के अधीन दफ्तर पुरानी व्यवस्था में करेंगे कार्य। राज्य के जल शक्ति विभाग के बांध किए गए नए सर्कलों और मंडलों के अधीन दफ्तर पुरानी व्यवस्था के तहत ही कार्य करेंगे। विभाग के नए सर्कलों और 8 मंडलों को सुक्कू सरकार ने बंद कर दिया है। पूर्व में बांध सर्कलों और मंडलों के अधीन दफ्तरों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य जल शक्ति विभाग के सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। गांव में जल शक्ति विभाग का हर मंडल एक योजना से अब 24 घंटे देगा पानी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की पेयजल योजनाओं से अब लोगों को 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग अपने सभी 66 मंडलों की एक एक पेयजल योजना को अपग्रेड कर 24 घंटे पानी देने वाली योजना में बदलने जा रहा है। शिमला समेत प्रदेश भर में जल शक्ति विभाग के कुल 66 मंडल है। शुरुआत में कुल 66 पेयजल योजनाओं में से 24 घंटे पानी की सुविधा देने की तैयारी है।